जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शमशान मरघट मसान के बारे में सुन रहे हैं। ये तीनों शब्द तंत्र से संबंधित हैं। बहुत से मनुष्यों को शमशान के नाम से डर लगता है, मरघट के नाम से डर लगता है, मसान के नाम से डर लगता है, क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर होती है, उनका मन कमजोर होता है। अब आत्मा कमजोर और मन कमजोर का मतलब हो गया जिनका जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास होता है या चंद्र ग्रहण के आसपास होता है, या सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाता है, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाता है, या सूर्य अष्टम भाव का बैठ जाता है, चंद्रमा अष्टम भाव का बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में आत्मा और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को शमशान मरघट मसान से डर लगने लगता है। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आजकल तंत्र विद्या के माध्यम से मनुष्यों को बीमार करने का काम चल रहा है। शत्रु नाश करने में तंत्र विद्या का प्रयोग होने लगा है। तो आप सब सजग रहें, सुरक्षित रहें, और हम जो आपको सिम्टम बता रहे हैं उन सिम्टम का ध्यान रखते हुए आप अपना इलाज कराते रहें, परिवार के सदस्यों का इलाज कराते रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार में किसी की कोई अहित नहीं हो और न ही कोई हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े। तो चलते हैं माँ भगवती जगत जननी की कृपा से। आपको शमशान मरघट मसान के बारे में आज हम बताते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा शमशान मरघट मसान इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। केवल 5 दिन के लिए यह किताब, सिर्फ और सिर्फ 380 रुपये में आपके घर तक यह पहुंच जाएगी। लागत मूल्य से भी कम कीमत पर इस किताब को हम दे रहे हैं, ताकि आपको ज्ञान मिल सके कि वास्तव में शमशान मरघट मसान क्या होता है, और यदि किसी को लग गया है तो कैसे हटाया जाए, यह उसमें लिखा हुआ है। लग जाता है उसके क्या लक्षण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो एक कोड नंबर हम इस पूरे जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं इसकी समाप्ति पर एक कोड नंबर हम आपको देंगे। यदि वो कोड नंबर आप बताते हैं तो आपको यह किताब 380 रुपये में दी जाएगी, जिसकी कीमत 1500 रुपये है। तो चलते हैं, शमशान क्या होता है, मरघट क्या होता है, मसान क्या होता है। जब किसी मनुष्य का शरीर सूखने लग जाए, जब किसी मनुष्य का शरीर में खून बनना बंद हो जाए, जब किसी मनुष्य का शरीर में मांस बनना बंद हो जाए, धीरे धीरे वह सूख करके हड्डी का ढांचा बन जाए, मतलब उसको देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ हड्डी के ढांचे के ऊपर चमड़ा पहना दिया गया हो, ऐसे उसका चेहरा हाथ पैर हो जाए, तो समझ जाना कि इसके ऊपर शमशान लगा हुआ है, मरघट लगा हुआ है, मसान लगा हुआ है, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम होता है, मनुष्य भोजन अधिक करने लगता है, बार बार उसको भूख लगने लगती है, क्वांटिटी में वह बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, तो समझ जाओ मरघट मसान लगा हुआ है। यदि मनुष्य को नींद बहुत कम आती हो, रात को सोते जाता है परंतु नींद नहीं आती हो, रात को पैदल चलता हो, रात को घूमता हो, नींद में चिबड़बड़ करता हो,
तो समझ जाओ उसके ऊपर मसान लगा हुआ है। मसान लग जाता है तो मनुष्य को तरह तरह से शारीरिक कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है, और डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उस टेस्ट की रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, एक्सरे में कुछ नहीं आता है, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आता है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता है, फिर भी मनुष्य को तकलीफ होती है और धीरे धीरे उसका पैसा हॉस्पिटलों में खर्च होकर के बर्बाद हो जाता है। ऐसे मनुष्य का परिवार धीरे धीरे कंगाल हो जाता है, ऋणी हो जाता है, और बाद में बड़ी मुश्किल से तड़प तड़प के उसकी मृत्यु होती है। यदि आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम हो तो आप तुरंत संपर्क करें 7649862712 पर। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जब शमशान मरघट मसान लग जाता है तो मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है ठीक करने के लिए, छोटी मोटी शक्तियाँ हाथ नहीं डालती है। वो कहती है हमारा केस हमारे शक्ति से बाहर है, किसी अच्छे ओघड़ को पकड़ो, अघोरी को पकड़ो, तांत्रिक को पकड़ो, जो ये काम कर सके, जो शमशान की पूजा करता हो। हमारे बात यह इसलिए समझ में आती है कि हमने भी देखे हैं छोटे मोटे जो दरबार चलाते हैं, जो पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, भोपा होते हैं, ओझा होते हैं, भगत लोग होते हैं, गुनिया लोग होते हैं, इन लोगों के पास में छोटी छोटी शक्तियां होती हैं। किसी के पास वीर की शक्ति होती है तो किसी के पास देवनारायण बाबा की शक्ति होती है। तो छोटी छोटी शक्तियां होने की वजह से ये बड़े केस में हाथ नहीं डालते हैं, जिसको हम मसान कहते हैं। यह मसान अकेले नहीं चलता है, इसके साथ में बहुत सारी शक्तियां रहती है, 100, 200, 300, 400 भी हो सकती है, और सब शक्तियां अपने अपने तरीके से उस मनुष्य को नोचने का काम करती है, कष्ट देने का काम करती है। कभी पीलिया हो जाता है उसको, तो कभी टाइफाइड हो जाएगा उसको, कभी बुखार आने लग जाएगा, कभी बहुत तपना चालू हो जाएगा, कभी बहुत प्यास लगेगी तो कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी बहुत भूख लगेगी उसे, मतलब साधारण मनुष्य से कई गुना खाना जो ज़्यादा खा जाता है, मीठा खाना ज़्यादा खाता है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, शराब पीने लगता है, शराब की डिमांड करता है, बार बार मांस खाने की आदत पड़ जाती है। तो ये सब सिम्टम जो है ये मरघट मसान लगने के होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिस किसी भी मनुष्य को यह लग जाता है तो उस मनुष्य को ठीक करने के पहले उसके परिवार वालों को कई पैसा बर्बाद करना पड़ता है। कोई पुण्य उनके होते हैं किसी मनुष्य के उनके परिवार में, तो उस व्यक्ति के माध्यम से वो किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुँच जाता है और उसका इलाज संभव हो सकता है, अन्यथा इलाज नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य जिसके ऊपर लगता है वह अक्षम्य अपराध करके आए हुए होते हैं, पिछले जन्म के भयंकर पापी मनुष्य होते हैं, अक्षम्य अपराध, घोर अपराध जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जिसको हम अपराध का नाम सुनेंगे तो हमारी रूह कांप जाती है, ऐसे अपराध करके आए हुए व्यक्ति जब पैदा होते हैं तो उनके साथ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ईश्वर उन्हें सजा स्वरूप मसान उसके शरीर पर लगा देता है और उसकी शरीर को यह सब कष्ट भुगतना पड़ते हैं। मानसिक स्थिति खराब हो जाती, धीरे धीरे पागलपन में चला जाता है, लोबा को पहचानना बंद कर देता है, खून बनना बंद हो जाता है, मांस मनना बंद हो जाता है, और उसकी मृत्यु भयंकर
वेदना के साथ में, भयंकर परेशानी के साथ में, कष्ट के साथ में, दुख के साथ में चिल्ला चिल्ला करके उसकी मृत्यु होती है, ना आत्मा निकलती नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा बदला लेती है, वह शक्तियाँ जिनके साथ में पिछले जन्म में यह कुकर्म करके आया हुआ होता है। किसी निर्वंशी की जमीन को हड़प लिया हो, किसी माँ बहन बेटी के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी हो, वो हत्या करके आया हुआ हो, कई जानवरों की हत्या करके आया हुआ हो, या किसी की माँ बहन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार किया हो, संपत्ति को हड़पा हो, धन को हड़पा हो, उनके घर में चोरी की हो, ऐसे बहुत से अक्षम्य अपराध होते हैं। यदि ऐसे अपराध करके आए, जैसे पानी बह रहा तो उसमें जहर डाल दिया हो, यह भी अक्षम्य अपराध होता है। तो ऐसी अवस्था में परमपिता परमात्मा के द्वारा ऐसे मनुष्यों को जब वो पैदा होते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, तभी ये मरघट मसान लगता है। तो सबसे पहले तो अपने द्वारा किए गए पाप कर्म, पिछले जन्म में जो पाप कर्म किए गए हैं उनका प्रायश्चित करना चाहिए। माता पिता का अपमान किया हो, बहनों का अपमान किया हो, भाइयों के साथ धोखा किया हो, संपत्ति जमीन जायदाद को हड़पा हो, अपनी दादागिरी के बल पर गांव को डराया धमकाया हो, यानी गुंडागर्दी की हो, और जिसकी सजा आपकी पहुंच होने की वजह से सरकार नहीं दे पाई, आपकी दादागिरी की वजह से कोई पुलिस में नहीं जा पाया, तो ऐसे मनुष्य को जब वो दोबारा पैदा होता है तो उसे ये इस प्रकार का कष्ट मिलता है। और जब तक वो कष्ट नहीं भोग लेता ऐसा मनुष्य, वो तड़पता रहता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती, शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इसे मरघट मसान कहा जाता है। जब वो रात को सोता है तो नींद नहीं आती है, और कभी कभी नींद लग भी गई तो नींद के अंदर उसे जलती हुई चिता नजर आती है, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, सिर कटे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, सिर कटी हुई लाश नजर आती है, अर्थी नजर आती है, छोटे छोटे बच्चे नजर आने लगते हैं। तो ऐसी यदि घटना घटित होने लग जाए सपने में तो समझ जाओ मसान लगा हुआ है। जब मसान लग जाता है तो हर कभी उस स्त्री के शरीर में वो गुदगुदी करने लगते हैं, किसी भी स्त्री पुरुष के शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। जब मसान लग जाता है तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, क्योंकि यह परमपिता परमात्मा के द्वारा एक दी गई सजा होती है। तो इस सजा के अंतर्गत मनुष्य को कई प्रकार से तड़पना पड़ता है, कष्ट भुगतना पड़ता है, तब जाकर के उसकी मृत्यु होती है। तो शमशान मरघट मसान जिस किसी भी व्यक्ति को लग जाता है तो सबसे पहले उसका शरीर सूखना चालू हो जाते हैं, सपने बहुत उल्टे सीधे आना चालू हो जाते हैं, डरावने सपने आना चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे भूख लगना भी बंद हो जाती कई बार, या कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो मान करके चलो शमशान मरघट मसान लग गया है, सुई चुभने लगती है बॉडी में, कीले चुभने जैसा महसूस होने लगता है, शरीर में अलग अलग अंगों पर दर्द होने लगता है, गुप्त रोग हो जाता है, लिंग में रोग आ जाता है, गुदा मार्ग में रोग हो जाता है, योनि मार्ग में रोग हो जाता है, और रोग पकड़ में नहीं आता, बीमारी पकड़ में नहीं आती है,
और विशेष तौर से अमावस्या के दिन पूर्णिमा के समय पे, दूध छठ चतुर्दशी के दिन ग्रहण के समय पे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग गया है, इन्हें से यानी कि मसान लग गया है। जब मसान लग जाता है तो कई बार वो शरीर में भी आकर के बोलने लगता है और तरह तरह से बात करता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, यानी कि वह अकेला नहीं होता है, उसके साथ में बहुत सारी अदृश्य आत्माएं होती है जो ऐसे मनुष्य को सजा देती है। और यह मसान अक्सर उन लोगों को लगता है जो धर्म का अपमान करने लगते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, शमशान जाते हैं और वहाँ पर पड़ा हुआ मिठाई खा जाते हैं, शमशान में चढ़ी हुई वस्तुएँ खा जाते हैं, शमशान में चढ़ी हुई शराब खा जाते हैं, पी जाते हैं, शमशान में चढ़ा हुआ मांस को पका करके खा जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के ऊपर यह मरघट लग जाता है, मसान लग जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा शरीर ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है, कभी पीलिया हो जाता है, यानी कि एक तरीके से जिंदा लाश मनुष्य के रूप में हो जाता है और उसकी मृत्यु नहीं आती, वह बस मौत मांगता है, भगवान उसे मौत भी नहीं देता है क्योंकि उसे कष्ट भुगतना होता है। तो हमने कई ऐसे व्यक्तियों को देखे हैं, इलाज भी किया है, जिनके ऊपर मसान लग गया था। तो एक तो वो मसान लगे हुए व्यक्ति भोजन बहुत करते हैं, दो व्यक्तियों का भोजन, तीन व्यक्तियों का भोजन वो एक बार में कर जाते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। आधे घंटे दो घंटे के बाद उन्हें फिर से भूख लगाती है कि वो खाना कहाँ गया मालूम नहीं। तो एक तो उनको भूख बहुत लगती है जिनको मसान लग जाता है, क्योंकि वो भोजन नहीं करते, उनके साथ रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ वह भोजन करती हैं। तो इन सब चीज़ों को निकाला जाता है, बलि दी जाती है, और कई बार हम देखते हैं तिराहे चौराहे पर अपन मटकी उतार के रख के आते हैं, उनके ठोकर लगा देते हैं, मटकी का रखा हुआ भोजन खा जाते हैं, मटकी में रखा हुआ मिठाई खा जाते हैं, मटकी रखी हुई है उसका नारियल फोड़ करके खा जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के ऊपर ये मसान अवश्य लगता है। और कई बार हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप व ईश्वर हमें सजा स्वरूप ये मसान लगवा देता है, दोनों बार, या फिर कई बार कोई शत्रु पैदा हो जाता है, वह शत्रु आपके घर में मसान छोड़ देता है, तंत्र विद्या करवा देता है, जिसकी वजह से जो मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिसका सूर्य कमज़ोर होता है, चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ होता है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ होता है, अमावस्या के दिन पैदा होता है, चतुर्दशी के दिन पैदा होता है, मतलब जिसका मन कमज़ोर और आत्मा कमज़ोर होती है, उनके ऊपर ये बहुत जल्दी लगता है। तो यदि किसी मनुष्य को ऐसा मसान लगा हुआ हो, मरघट लगा हुआ हो, सपने में जलती हुई सीता नज़र आती हो, सफ़ेद कपड़े वाले नज़र आते हो, कटे सिर वाले नज़र आते हो, या फिर खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ नज़र आती हो, या फिर मरे हुए मनुष्य नज़र आते हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से। आपके परिवार में न हो, यदि किसी और के ऊपर आप ऐसे सिम्टम देखते हो तो उन्हें सलाह दे सकते हो, यानी कि जिसका शरीर एक प्रेत के माफिक हो गया हो, हड्डी का ढांचा हो, परंतु उसके ऊपर ऐसा लगता हो कि सिर्फ चमड़ी चढ़ाई गई हो, और वह ऐसा व्यक्ति आपको दिखे, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के ऊपर मसान लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। 7674986271 एक बार और सुन लीजिए, 7649862712 7987237885 और 9893128047 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके इस मसान को निकलवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। समय इसमें अधिक लगता है निकालने के लिए, क्योंकि मर्ज जितने ज़्यादा पुराना होता है उतना समय भी लगता है, उतना पैसा भी लगता है, बहुत स्पष्ट है। और जो हमने किताब लिखी है शमशान मरघट मसान, यदि वो किताब चाहते हो 380 रुपये में केवल 5 दिन के लिए
तो कोड नंबर हम बता रहे हैं 6267669, ये कोड नंबर है। ये कोड नंबर आप हमें व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे तो यह किताब आपको केवल 380 रुपये में आपके घर तक पहुँचेगी, और यदि कोड नहीं लिखते हैं तो इस किताब की कीमत 1500 रुपये है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय कंकाली काली, जय शमशान काली, जय मरघट काली। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते।